दिल्ली एनसीआर में अपराध सिर चढ़कर बोल रहा है। दिल्ली एनसीआर में पुलिस बेबस, अपराधी बेलगाम। आम आदमी तो आम आदमी, पुलिस वाले भी लूट लिए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के सुंदर भाटी गैंग का फिर से शुरू हुआ आतंक। पुलिस वाले को दिखाई पिस्टल और दो मिनट में लूट ली बलेनो कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओटीटी इंडिया। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नोएडा की कुख्यात सुंदर भाटी गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है। वही सुंदर भाटी जिसके तार यूपी के सबसे बड़े माफिया अतीक अहमद की हत्या में जुड़ते हुए दिखाई दिए थे, वही सुंदर भाटी गैंग अब एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है। दरअसल ये वारदात है 9 सितंबर का, जगह हरियाणा का गुरुग्राम जो एनसीआर में आता है। दिल्ली पुलिस का एक जवान अपने घर से बलेनो कार लेकर निकला, उसकी G20 शिखर सम्मेलन में सुरक्षा के मद्देनजर तैनाती थी। दिल्ली पुलिस के सिपाही राजकुमार जब अपने गाँव से निकलकर टोल प्लाजा खिड़की दौला पर पहुंचने वाले थे, तभी एसपीआर रोड पर एक स्विफ्ट कार आती है, उनकी बलेनो के आगे रुक जाती है। वो कुछ समझ पाते तभी कार से दो नकाबपोश बदमाश उतरते हैं, जिन्होंने उस वक्त पिस्टल दिखाकर पुलिस कर्मी को गाड़ी से नीचे उतारा और लुटेरे गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गए। इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस कर्मी ने पास के ही थाने में थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इस वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम के एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो पकड़े गए आरोपी का नाम महेश उर्फ मुंडी है, जिसके भाई की आज से 10 साल पहले गांव के लोगों ने ही हत्या कर दी थी, जिसके बदले की खातिर महेश मुंडी लगातार प्लानिंग कर रहा था और इसी इरादे से उस दिन अपने दो साथियों के साथ मिलकर हथियारों के बल पर पुलिस कर्मी से गाड़ी लूटी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी लगातार अपने भाई के हथियारों की हत्या के फिराक में था। इसके अलावा जिस स्विफ्ट कार से आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, उस गाड़ी को उसका एक साथी सुनील लेकर आया था, जिसने लूट की वारदात के अगले दिन अपनी बहन के ससुर को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने यह भी बताया कि वो उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी गैंग के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी महेश मुंडी के खिलाफ इससे पहले भी गुरुग्राम और रेवाड़ी में दो मामले लूट के दर्ज हैं। इसके अलावा NDPS एक्ट के तहत भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी का रिमांड लेने की तैयारी कर रही है और बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इस खबर के सामने आने के बाद एक सवाल उठ रहा है कि अगर एक पुलिस वाले के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी की दिल्ली NCR में क्या विस्तार है।